हाय एवरीवन, इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करने वाला हूं। जनरली अपने चैनल पे मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता हूं, ना मैं ऐसे कोई मेजर रिव्यूज करता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी यानी गुंजन सक्सेना के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी, काफ़ी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल ने, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने रिक्वेस्ट करी, काफ़ी आउटसाइडर्स ने, मेरे व्यूअर्स ने और मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी। मेरी टीम ने मुझे बोला कि सर, यू आर दी ओनली वन अभी करंटली इंडिया में जो एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, साथ में एक एक्स एयर फोर्स पायलट हैं, तो प्लीज़ एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप इस मूवी के राइट फैक्ट्स बता पाएं, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्पेशली डिफेंस फोर्सेज और स्पेशली एयरफोर्स पर्सनल की तरफ से, जो काफी हद तक ठीक भी हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक अनबायस्ड व्यू दूंगा बीइंग एन एयरफोर्स पायलट के एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और ये प्रॉब्लम्स क्यों काफी बार डिफेंस फोर्सेज से जब रिलेशन में बात करते हैं तो काफी बार मूवी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहली चीज ये कि मैं इस वीडियो में कोई भी नेपोटिज्म वगैरह पे बात नहीं करूंगा, वो एक बिल्कुल सेपरेट और डिस्टिंक्ट टॉपिक है, ना इस पर्टिकुलर वीडियो से इसका कोई लिंक है और ना इस मूवी से उसका कोई लिंक है। काफी लोग कुछ भी चीजों को लिंक कर रहे होते हैं कि करण जौहर ने प्रोड्यूस करी है, डायरेक्ट जो भी करा है एंड जानवी कपूर है। नो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट हाउ यू सी अ मूवी। जब मैं मूवी देखने जा रहा हूं तो मैंने सबसे पहले अगर एक्टिंग की बात करूं तो आई एम नॉट द वन टू जज द एक्टिंग, लेकिन मुझे एक्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं है, चाहे वो सीनियर एंड अमेजिंग एक्टर्स लाइक पंकज त्रिपाठी हो, विनीत सिंह हो, मानव विज हो जिन्होंने सीओ का रोल किया था, विनीत सिंह ने जिन्होंने फ्लाइट कमांडर का रोल किया था, और जानवी कपूर जिसने गुंजन सक्सेना मैम का रोल किया है, तो ऑल दीज पीपल डिड वेरी वेल, एक्टिंग में कोई इशू नहीं है। और जो 19-20 एक्टिंग होती है, जो बाहर लोग हैं, दे आर नॉट द वंस टू जज के एक्टिंग में क्या इशूज आ रहे हैं, ठीक है। काफी लोगों ने काफी कुछ बोलने की कोशिश करी है, बट कॉन्ट्रोवर्सी जबरदस्ती नहीं क्रिएट करनी होती, कॉन्ट्रोवर्सी का भी कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है बैठे बैठे आपको मूवी पसंद नहीं है और सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ अ कंट्रोवर्सी इज क्रिएटेड। इफ यू वांट टू हैव अ कंट्रोवर्सी, इफ यू वांट टू हैव अ इशू, कोई प्रॉब्लम है तो उसे ढंग से एड्रेस करिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एलियन पॉइंट निकाल रहे हैं। ओके, नाउ द कंट्रोवर्सी विच इज देयर, उन्होंने जो गुंजन सक्सेना का मैम का जिन्होंने रोल करा है जानवी, उन्होंने बोला कि भाई इस पर्टिकुलर मूवी में बहुत गलत दिखाया गया है, क्योंकि इस मूवी में फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उस बेस पर मूवी है कि जब फीमेल्स की इंडक्शन हुई थी इंडियन एयरफोर्स में एज पायलट, सबसे पहले हेलीकॉप्टर पायलट, तो उस टाइम जब कारगिल में दे पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद द मैन ऑफिसर्स, ऑल द सो देर ऑल ऑफिसर्स, देर इज नो वुमेन ऑफिसर मैन ऑफिसर, देर ऑल ऑफिसर्स ओनली, ठीक है। ये सब भारत सिविल में लोगों को पता होता है ये सब चीजें कि वो फीमेल ऑफिसर है, मैन ऑफिसर है, अंदर देर आर ओनली वन, दैट इज ऑफिसर्स। ओके, तो जो एयरफोर्स पर्सनल थे, यानी जो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, मैन या वुमेन, उस टाइम जब फीमेल्स इंडक्ट हुई 90s में, तो उस समय की जो रिसर्च थी उन्होंने वो करने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा इन लोगों से करता हूँ मूवी इंडस्ट्रीज और काफी बार काफी लोग करते हैं कि फेमिनिज्म को पॉजिटिव दिखाने का मतलब जो मेन हैं उनको नीचा दिखाना क्यों होता है हमेशा? ये कौन सा लिंक है? मतलब अगर आपने ये दिखाना है कि फीमेल्स आर सुपीरियर इन सर्टेन थिंग्स, दे आर नो लेस देन एनीबॉडी, विच इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, और ये अग्री भी करते हैं सारे मेन, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। भाई, आई कैन नॉट बी बॉर्न विदाउट माई मदर, आई एम बिकॉज देर आर फीमेल्स, मैन आर बिकॉज फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स कर सकती है मैन अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मेन के लिए बेटर होती है, कुछ फीमेल्स के लिए, दिस इज हाउ द नेचर हैज डिजाइंड अस। डिबेट ये नहीं है, डिबेट ये है कि मूवी इंडस्ट्री जब भी ऐसी कोई मूवी बनाती है जिसमें फेमिनिज्म को सपोर्ट करना होता है तो उसमें मेन को अपोज करना जरूरी क्यों है? आपको अगर मसाला डालना है आप बिल्कुल डालिए, लेकिन मसाले का कोई लॉजिक तो होना चाहिए। आप कोई फिक्शन स्टोरी बना रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई हिस्टोरिकल फिगर लेते हैं जिसमें प्रॉपर हिस्ट्री नॉलेज इन्वॉल्व होती है, आप डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड कोई चीज बनाते हैं तो आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट क्यों कर देते हैं? हिस्टोरिकल करेक्टर्स को अजीब सा क्यों बना देते हैं जिनसे उनका कोई लिंक ही नहीं है रियालिटी से? आप जब डिफेंस फोर्सेज में आते हैं तो डिफेंस फोर्सेज को आप अपने दिमाग से क्यों सोचते हैं कि मुझे ऐसा दिखाना चाहिए? हैव यू बीन द पार्ट ऑफ डिफेंस फोर्सेज? डू यू नो हाउ द फोर्सेज वर्क? स्क्वाड्रन के अंदर पता है क्या होता है? एक प्लस पॉइंट मूवी का ये था थैंकफुली कि द यूनिफॉर्म्स वर वेरी गुड, बहुत अच्छा दिखाया गया एयरफोर्सेशन उधमपुर वगैरह का, उनकी कैडेट्स की यूनिफॉर्म जो फ्लाइट कैडेट्स थे बहुत अच्छे दिखाई गई, तो मुझे ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट यूनिफॉर्म और जिस तरह सारे के सारे रैंक्स वगैरह थे दे वर गुड, क्योंकि काफी ज्यादा पुरानी मूवीज तो ऐसी थी कि जिनमें रैंक्स वगैरह भी गलत होती थी, सो दिस वॉज अ गुड पार्ट। लेकिन द बैड पार्ट वॉज के प्लीज अंडरस्टैंड, जिस तरह आपने स्क्वाड्रन की वर्किंग दिखाई है ना, स्क्वाड्रन दूर दूर तक ऐसा काम नहीं करता है। नाउ आई पॉइंट आउट द मिस्टेक्स। फर्स्टली, अभी आपने सुना होगा रिसेंटली देयर वाज अ अनदर फीमेल
पायलट जो उसे उसी उनकी कोस्टमेट थी गुंजन मैम की। अब मैं मैम क्यों बोल रहा हूँ आपको ये भी समझाऊंगा। तो गुंजन मैम की जो कोस्टमेट थी उन्होंने अभी अभी पोस्ट किया है फेसबुक पे, आई थिंक उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि गुंजन मैम वॉज नॉट द फर्स्ट लेडी हु वेंट इनटू कारगिल एज अ पायलट, उनसे पहले और भी लेडीज गई थी, राइट। नंबर वन, सेकंड इट डजंट मैटर वो पहली गई है सेकंड गई है, आपने उनके ऊपर मूवी बनाई ब्यूटिफुल, ठीक है। लेकिन द वर्स्ट पार्ट वॉज के अगेन वही प्रॉब्लम कि आपको उस मूवी में अगर एक्स दिखाना था आपने उसमें इतना मसाला भर दिया कि उसको आपने एक जो मसाले वाली बॉलीवुड मूवी होती है ना लॉजिकलेस मूवी उसकी तरह प्रेजेंट करा जिसमें मैक्सिमम फैक्ट छुप गए और जब सिविलियंस इस मूवी को देखते हैं ना तो उनकी जो परसेप्शन है वो बहुत अलग हो जाती है। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल हाउ। मैं शुरू से आपको स्टार्ट करता हूं कैसे मैं कह रहा हूं। आपने जो उनकी बचपन दिखाया फैमिली दिखाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब आपने ये दिखाया कि शे केम इनटू एयरफोर्स, उन्होंने जब स्क्वाडन में वो आई तो आपने जो जो उस टाइम बकवास शुरू हुई ना मूवी में, दैट वाज द मोस्ट हार्ड हिटिंग पार्ट बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दैट लाइफ, हम उस लाइफ से निकले हैं, हमें सब पता है, स्क्वाडन फ्लाइट कमांडर्स सीओज कोस्टमेट्स आपके बैचमेट्स आपके जो कलीग्स हैं क्या होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि एयरफोर्स बेवकूफों की कोई मतलब वो है डिफेंस फोर्सेज या मूवी इंडस्ट्री समझ रहे हैं? वो इंडस्ट्री है ऐसे ऐसे लोगों की जिनमें यहां पे कम है दिमाग। डिफेंस फोर्सेज में पीपल आर नॉट लाइक दैट सर। अगर आप किसी स्क्वाडन में जाते हैं पहली चीज तो ये कि कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहां पे पहले मेन थे अगर वहां पे सडनली वुमेन को इंडक्ट करा जाता है तो अफकोर्स ये बात है थोड़े से इश्यूज तो आएंगे ना, ये तो ह्यूमैनिटी है ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस इशू इतने से इशू को जब इतना बड़ा करके बताया जाता तो ऐसा लगता है कि ये फेमिनिज्म को सपोर्ट हो रही है, सारे मेन ईविल हैं, मेन क्रूएल हैं, दुनिया में सारे ऐसे चल रहा है, डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी यही हो रहा है। आपको पता है ऐसा हो रहा है? कौन से रिसर्च करी आपने, किसके इंटरव्यूज लिए आपने? जब गुंजन मैम ने खुद ये बोला है इंटरव्यू में कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ, मेरे को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी गई थी, तो ये मूवी बनाने से पहले नहीं सोचते आप लोग? आपने किसी एयरफोर्स सीनियर ऑफिसर्स को मूवी दिखाई, एयरफोर्स चीफ को या सीनसीज को या किसी एओसी किसी को मूवीज दिखाई है वाली कि आप ये स्क्रीन में आप प्लीज मूवी देखिए उसके बाद हम रिलीज करेंगे आप पॉइंट्स बताइए? दिखाई? आपने नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट, आपको लग रहा था सब हम जानते हैं और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं, हमें मसाला चाहिए। अब मैं सबसे पहला पॉइंट बताता हूं, वेन फीमेल पायलट्स वर इंडक्टेड, जब फीमेल पायलट्स आई थी अगर आप उनसे पूछे वो आपको बताएंगी अफकोर्स सी बात है देर वॉज नो सेपरेट टॉयलेट, ठीक है। बट सर आप लोग कौन सी कंट्री में, इंडिया में है ना, आप तो बाहर भी ट्रैवल कर चुके होंगे, बाहर कितनी कंट्रीज में फीमेल मेल टॉयलेट्स अलग होते हैं, कितनी सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे कॉमन टॉयलेट्स यूज होते हैं, पहली चीज। बट दैट इज नॉट द पॉइंट, फीमेल टॉयलेट 100% होने चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टेज में वुमेन इंडक्शन हुई और कहीं पर एक फीमेल टॉयलेट नहीं था तो आपको क्या लगता है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी किसी को? सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताता हूं मेन कैसे बिहेव करते हैं, मेन ऑफिसर्स जो थे जिनको आप मेन ऑफिसर्स कहते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, और मैं आज की बात भी बताता हूं। स्क्वाडन में जनरली सिविलियंस अलाउड नहीं होते, राइट। नाउ लेट्स से कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर ऑफिसर्स की जो वाइव्स होती हैं उनको इनवाइट किया जाता है, लेडीज को। जब लेडीज आती हैं तो लेट्स से किसी लेडी को वॉशरूम जाना है तो आपको क्या लगता है वहां पे अब उनके लिए स्पेशल वॉशरूम की अरेंजमेंट अगर नहीं है तो कैसे जाएंगी? तो सर जब वो वॉशरूम जाती हैं तो एक ऑफिसर बाहर एज अ गार्ड खड़ा होता है, इतनी रिस्पेक्ट होती है लेडीज की। मैं अभी सिर्फ लेडीज की बात बता रहा हूं आपको। अगर आप लेडीज की रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं तो अगर कोई लेडी आती है तो जो एयरफोर्स का चीफ होगा ना, चीफ ऑफ द एयरफोर्स या चीफ ऑफ आर्मी, वो भी खड़े होंगे टू गिव अ सीट टू द लेडी, टू ऑफर अ सीट टू द लेडी। किसी भी पर्सनल एयरफोर्स पर्सनल आर्मी पर्सनल नेवी पर्सनल की वाइफ अगर होगी उसको कोई भी ऑफिसर हाइएस्ट से हाइएस्ट रैंक का एज अ मैम एड्रेस करेगा, वहां पे नेम्स एड्रेस नहीं करा जाता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट गिवन टू लेडीज। जब फीमेल ऑफिसर्स इंडक्ट हुई है फोर्स में तो देर वॉज नो फीमेल्स एंड मेल्स, दे वर ऑल ऑफिसर्स। इट इज अ चॉइस ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। वहां पे जाके ये नहीं होता कि मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा हूं तो मुझे ये प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। सॉरी सर, देर इज नो सेपरेट प्रिविलेजेस, ये किसी के लिए भी नहीं है। बींग अ मेल ऑफिसर मैं कुछ डिमांड नहीं कर सकता, ऐसी चीज जो मुझे मिलेंगी वो मुझे ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेज में ऑलरेडी दी गई है। अगर कोई इश्यूज आता है हम रेज कर सकते हैं, उसको एड्रेस करा जाता है। तो जब फीमेल ऑफिसर्स के अगर आप इंटरव्यूज पढ़ें, जो गुंजन मैम की जो उनकी कोस्टमेट्स थी अगर आप उनके इंटरव्यूज चेक करें, उन्होंने यही बोला है कि यस दे वर नो टॉयलेट्स, लेकिन जब हम टॉयलेट जाते थे तो बाहर ऑफिसर्स खड़े होते थे जो गार्ड करते थे सो दैट नोबडी कैन कम इन। दिस इज हाउ मच द रिस्पेक्ट जो है ऑफिसर्स देते हैं एक दूसरे को। और आप लोगों ने क्या दिखाया है कि जैसे ही कोई क्रू रूम में आ रहा है वहां पे ओवरऑल्स की जिपें खुली हुई हैं और ऐसे पड़े हुए हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ठीक है, लड़कियों के पोस्टर लगे हुए हैं।
चलिए कोई बात नहीं, इस पॉइंट पे भी मैं आता हूं। तो पहली तो हुई आपकी ये टॉयलेट की बात, जो आपने बिल्कुल गलत दिखाई है, ठीक है, दिखाना उल्टा चाहिए था, ताकि एक म्यूचुअल सपोर्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो एग्जाम्पल था ना, वो सेट इन होता। लेकिन आपने दिखाना थी फेमिनिज्म, और फेमिनिज्म आप कैसे दिखाएंगे, आपको आता ही नहीं, आपको आता है दिखाना फेमिनिज्म ऊपर, तो यानी मैन नीचे, उनको दबा दिखाओगे मैन कैसे दबा रहे हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कैसे हो रही। लेकिन आप ये भूल गए कि सर ये डिफेंस फोर्सेस को दिखा रहे हैं आप, ये अपनी मूवी इंडस्ट्री को नहीं दिखा रहे हैं आप। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट, जो उनके चेंजिंग रूम्स होते हैं। पहली चीज तो मुझे ये बताओ यार, ऐसी कौन सी स्क्वाडन है, अगर आपने स्क्वाडन में फंक्शन करा हो, तो जो फ्लाइंग ओवरऑल्स होते हैं ना, अगर आपकी सुबह सॉटी लगी हो, आपकी फ्लाइंग हो, तो आप सुबह यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, फिर आप चेंज करेंगे, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द केसेस में होता है। मैक्सिमम लोग जिनकी सुबह सॉटीज होती है, वो ओवरऑल्स में आते हैं, फ्लाइंग में सारे ओवरऑल्स में रहते हैं। अगर बाय चांस कोई यूनिफॉर्म में आता भी है, फ्लाइंग स्क्वाड में जनरली ऐसा नहीं होता है, पीपल आर इन ओवरऑल्स इन मोस्ट केसेस, अगर कोई यूनिफॉर्म में आता भी है, तो उस यूनिफॉर्म को चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स होते हैं या वॉशरूम्स होते हैं, जिसमें सेम प्रोसीजर होता है कि अगर फीमेल जा रही है और देर इज नो अदर चेंजिंग रूम, तो जो ऑफिसर्स होंगे वो बाहर एक और ऑफिसर खड़े होकर गार्ड करेगा, सो दैट नोबडी कम्स इन, एंड शी लॉक्स द रूम फ्रॉम इनसाइड, सो दैट देर इज नो प्रॉब्लम। एंड इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, कोई इशू कभी नहीं फेस हुआ जैसा आप लोगों ने दिखाया है। नाउ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपने बहुत ही गलत दिखाया, ये तो था ही, आई थिंक जो फ्लाइट कमांडर का जब रोल आपने दिखाया, विंग कमांडर का, आई थिंक विनीत सिंह वॉज द वन जिन्होंने रोल करा है, दिलीप सिंह, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो उन्होंने जो रोल करा है, ब्रिलियंट एक्टर, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। लेकिन सर आपको क्या लगता है, वॉट इज अ फ्लाइट कमांडर, कौन होता है फ्लाइट कमांडर? डू यू नो द वैल्यू ऑफ अ फ्लाइट कमांडर? डू यू नो द वैल्यू ऑफ अ सीओ? मैं आपको बताता हूं फ्लाइट कमांडर क्या होता है। एक फ्लाइंग स्क्वाडन के लिए एक फ्लाइट कमांडर इज लाइक अ फादर, एक फादर फिगर की तरह होता है। जो सीओ होता है ना, वो एक ग्रैंड फादर की तरह होता है, और उसके ऊपर आता है एओसी, यानी पूरे के पूरे जो स्टेशन होगा उनका जो हेड होगा एओसी, एयर ऑफिसर कमांडिंग, वो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर की तरह होता है। जनरली उनको अप्रोच नहीं कर सकते, जनरली सीओ को भी ऐसे अप्रोच नहीं करा जाता है, दिस ऑल विद द चेन ऑफ कमांड। तो जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? फादर के पास जाते हैं ना, सेम चीज स्क्वाडन में होती है। स्क्वाडन में जो फ्लाइट कमांडर होते हैं ना, वो होते हैं जो हमारे फादर की तरह होते हैं। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो हम सबसे पहले फ्लाइट कमांडर को एड्रेस करते हैं, और फ्लाइट कमांडर होते हैं बहुत सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस्ड। आपको क्या, आपने क्या सीन दिखाया कि सबसे पहले फ्लाइट कमांडर ने क्रू रूम में एंटर करा, लड़के आराम से बैठे हैं और खड़े हुए से किसी की जिप खुली हुई है? सीरियसली, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है। द मूवमेंट ऑफ फ्लाइट कमांडर एंटर्स, कहीं पे भी कोई बैठा हो, दे विल स्टैंड अप, दे विल विश एंड जिप अप, पहली चीज। और सेकंड, कौन ऐसे जिप पे नीचे करके बैठ रहा है, यहां पे उसके पूरी बेयर बॉडी दिख रही है? व्हाट टाइप ऑफ सीन वाज दिस? मैंने तो कभी ऐसा ना तो सोचा है ना देखा है, और इनफैक्ट इन फ्रंट ऑफ फ्लाइट कमांडर। आपको पता है कितना डिफरेंस होता है फ्लाइट कमांडर में और बाकी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनमें? देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी सर। डिफेंस फोर्सेस इस तरह काम करती है, देर आर लेवल्स इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी इन ऑफिसर्स, और उन सबको रिस्पेक्ट दी जाती है उस हिसाब से। सेकेंड, आपने क्या दिखाया कि जो फ्लाइट कमांडर है वो ऐसे लूज टॉक कर रहा है, डांस कर रहा है, पार्टियां कर रहा है उनके साथ, उनके ऐसा कौन सी स्क्वाडन ने आपने देखा है सर कि फ्लाइट कमांडर ऐसे आकर रूम में या कहीं पर ऐसे पार्टियां कर रहा है, डांस कर रहा है उनके साथ, कुछ भी बातें कर रहा है? अगर कोई भी ऑफिसर उल्टी बात कर रहा है ना, तो फ्लाइट कमांडर विल बी द फर्स्ट वन टू पॉइंट हिम आउट एंड देन वॉर्न हिम, स्पेशली जब फीमेल्स की बात आती है। आपने फ्लाइट कमांडर को इतना ज्यादा गंदा दिखाया है इसमें कि उसकी जो सारी की सारी इमेज और रिस्पेक्ट थी वो खराब करके रखती है। क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च करी ही नहीं, आप कभी स्क्वाड में जाके आपने पूछा ही नहीं कि भाई फ्लाइट कमांडर्स क्या होते हैं। आपको मसाला दिखाना था, आपने मसाला ऐड करते गए करते गए, आपको यह समझ नहीं आया कहां पे फुल स्टॉप लगाना है। सेकंड, जब फ्लाइट कमांडर्स जो हैं, आपको लग रहा है फ्लाइट कमांडर्स विल डू दिस टू अ फीमेल? गुंजन मैम के साथ या किसी भी फीमेल पायलट के साथ उस समय में ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती जहां पे उनको शॉर्टीज में प्रॉब्लम आए। पर्सनल लेवल पे ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो सकती है, और वो आज भी होती है, और वो दुनिया में हर प्रोफेशन में होती है, और वो माइनर प्रॉब्लम्स होती है। अगर वो ज्यादा होती है तो फ्लाइट कमांडर इज द वन जो आके उनको ठीक करता है, उन प्रॉब्लम को खत्म करता है, ताकि स्क्वाडन एज अ फैमिली काम करे। और यहां पर आपने कुछ और ही दिखा दिया कि भाई फ्लाइट कमांडर है वो गुंजन मैम को बिल्कुल गलत दिखा रहा है, गुंजन सक्सेना है भाई एक ऑफिसर है, उनको बिल्कुल नीचे दिखा रहा है कि मैं तुमसे इसलिए हेट करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम पंजा नहीं लड़ा सकती। इज इट अ जोक गोइंग ऑन? हम फ्लाइंग स्क्वाड में ये करते हैं कि हम पंजे लड़ाते हैं दूसरों से कि अच्छा तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है पंजे के ऊपर है। व्हाट इज द सीनियोरिटी ऑफ अ फ्लाइट कमांडर? मतलब 18-20 साल की सर्विस देने के बाद फौज में जो फ्लाइट कमांडर है, इतना एक्सपीरियंस, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, QFI क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, ये सारे के सारे क्वालिफिकेशंस के बाद जो फ्लाइट कमांडर है वो पंजे लड़वाएगा फीमेल पायलट से?
कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप ये, और कौन सी जगह की, कौन सी डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं? इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे किसी डिफेंस फोर्सेस में नहीं होता है। ये जो बॉलीवुड मसाला आप ऐड करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग में इसका लगाइए। जो मुझे पता है कि जब आपकी प्रॉफिट्स की बात आती है और फेमिनिज्म की स्टूपिडिटी दिखाने की बात आती है, तो आप कहीं पे भी गिर सकते हैं, जो आपने पहले भी अपनी मूवीज में करा हुआ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो अब जो वर्ल्ड है ना, दैट इज मोर इन्फॉर्म्ड, इट इज मोर ओपन। सोशल मीडिया में सब कुछ ओपन है, तो पीपल आर नाउ शेयरिंग एंड टेलिंग द ट्रूथ। तो सबसे पहले थी, सबसे गलत चीज जो आपने दिखाई, वो थी फ्लाइट कमांडर की इमेज सबसे ज्यादा डाउन करना। जो मेरे फ्लाइट कमांडर्स थे ना, सबसे पहले मुझे आज भी याद है कि मेरे फ्लाइट कमांडर्स कौन थे, हमारे उनके साथ रिलेशन क्या था, ठीक है। और ये इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के हर एक जो डिफेंस फोर्सेस के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, स्क्वाड्रन्स हैं एयरफोर्स के, सब में सेम सिमिलर स्ट्रक्चर चलता है। तो कोई भी फ्लाइट कमांडर पंजे नहीं लड़वाता, ना इतना टाइम होता है, ना ऐसे कभी किसी की सॉर्टीज कैंसिल होती है, ना किसी के अगेंस्ट प्रेजुडिस होता है। सर, अगर ऐसा होता तो जो सीओ दिखाए हैं आपने, मानव विज, जिन्होंने सीओ का रोल किया, बहुत ब्रिलियंट रोल किया, वो अगर सीओ जो एक्चुअल सीओ होते हैं, दे विल वॉर्न जो भी ऐसी हरकत कर रहा है। द फ्लाइट कमांडर विल नो लॉन्गर बी अ फ्लाइट कमांडर अगर वो ऐसी हरकत करने की सोचते हैं, बिकॉज द सीओ विल टेक एन एक्शन एंड दे कैन बी अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, दे कैन बी अ सीरियस वार्निंग, दे कैन बी अ सीरियस इशू। और ये इश्यूज पहले भी हो चुके हैं जब ऐसे किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश करी है। इसलिए अगर आपको नहीं पता फौज में क्या चलता है, तो प्लीज जाके थोड़े दिन स्टैंड कर लेते, रिसर्च कर लेते, क्योंकि इंडियन मूवीज की बीमारी ही यही है, रिसर्च नहीं करनी, मसाला भर दो उसमें। इससे पहले बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई हैं। आई रिमेंबर द फर्स्ट मूवी जो मैंने फर्स्ट देखी थी, विजेता, ठीक है, आई थिंक शशि कपूर एंड रेखा जी वध, तो दैट वॉज द मूवी, ब्यूटीफुल मूवी, एनडीए और उन्होंने दिखाया है फोर्स के बारे में, कोई फालतू मसाला नहीं, बहुत ब्रिलियंट मूवी। उसके बाद प्रहार आई, ब्रिलियंट मूवी, लक्ष्य आई, कोई फालतू मसाला नहीं, कुछ नहीं। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? सीधी सीधी मूवी नहीं बनती है, मूवी को ट्विस्ट एंड टर्न्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आप जब बैटलफील्ड में जाते हैं, जब लोग कारगिल में गए थे, तो आपको क्या लग रहा था? वहां पे कोई ये सोच रहा है कि मैं फीमेल्स को नहीं भेजूंगा, मेन को नहीं भेजूंगा? सर, कंट्री इज एट स्टेक, कंट्री की इज्जत और कंट्री की जो रिस्पेक्ट है, वो जो उस टाइम सिक्योरिटी है, वो दांव पे लगी होती है। वॉर सिचुएशन ऐसी होती है, और आपको क्या लग रहा है वॉर सिचुएशन क्या होती है? मतलब कोई भी आएगा पहले, मतलब वो ये दिखाएंगे कि मैं इस लड़की को लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फीमेल है, मुझे भरोसा नहीं है। कौन सी, क्या दिखा रहे हैं आप ये सब? गुंजन मैम की कोई ऐसी सॉटी कैंसल नहीं हुई किसी प्रेजुडिस बेस पे, ठीक है। ऑल्सो गुंजन मैम वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गो इन कारगिल, उनसे पहले उनकी कोस्टमेट्स थी फीमेल, वो गई थी कारगिल में। कारगिल में मेन और वुमेन ने सीरियस सॉटी साथ में उड़ी थी, बहुत डेंजरस सॉटीज उड़ी थी सबने, क्रेडिट सबका इक्वल है। प्लीज गेट योर फंडाज ऑल राइट। आपको यह दिखाना है कि उनकी कैपेबिलिटी डाउट करी जा रही थी, तो आपने बहुत गलत दिखाया। आप मूवी को बहुत अच्छा टर्न भी दे सकते थे कि किस तरह डिफेंस फोर्सेस में मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, दिस इज हाउ वी कीप आवर कंपनी कंट्री एंड द एंटायर स्क्वाड्रन एंड एवरीबॉडी सिक्योर। लेकिन आप लोगों ने क्या दिखाया? आपने दिखाना था मसाला, तो आपने क्या दिखाया कि किस तरह सप्रेस करा गया, किस तरह चेंजिंग रूम्स नहीं थे, वो भाग रही हैं। कौन सी स्टोरी है ये? ऑल सेल्फ मेड स्टोरीज। और अल्टीमेटली क्या दिखाया गया कि भाई जो मेन है वो सारा प्रेजुडिस से भरे हुए हैं, डिसरिस्पेक्ट से भरे हुए थे, इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी फीमेल्स में। 100% रॉन्ग स्टोरी। द मोमेंट उस मूवी के अंदर गुंजन सक्सेना का जब जानवी ने रोल प्ले करा एंड शी वेंट इनटू द स्क्वाड्रन, वहां से जो आपने हालत शुरू खराब करी, दैट वॉज ऑल गॉन फॉर अ टॉस। बिल्कुल मूवी की जो है ना, मिट्टी ही फलीत हो गई, क्योंकि सारा लॉजिक ही खत्म हो गया। और इतना हर्ट हो रहा था मूवी देखते हुए कि यार वी हैव बीन टू द स्क्वाड्रन, हमारे साथ फीमेल पायलट जो फ्लाइंग करती थी, हमारी कोलीग्स, हमारी सीनियर्स, तभी मैं गुंजन मैम को, जो मैम यूज कर रहा हूँ ना, दिस इज हाउ वी एड्रेस द सीनियर्स, शी इज वेरी सीनियर टू मी, तो स्टार्ट शी इज मैम, तो गुंजन मैम हो गई है। जो बाकी मेरी सीनियर मैम्स थी, आई रिमेंबर, एंड नाउ दे आर फ्लाइंग कमर्शियल पायलट्स हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी एयरलाइंस में, सारी जो फीमेल पायलट्स थी मेरे से सीनियर्स थी, जो मेरी मेरी कोलीग्स थी, मेरी कोस्टमेट्स थी, दे आर ऑल डूइंग ब्रिलियंट इन एयरफोर्स ऑल्सो, ठीक है। और जो मेरे से जूनियर थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली थी, दे आर ऑल आउट एंड दे आर डूइंग ब्रिलियंट इन देयर लाइव्स। कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और ना कभी सुना था और ना कभी करी है। कोई भी पार्टीज में ऐसे एक दूसरे से मुंह मोड़ के नहीं चला जाता है। कौन सी दुनिया में जीरो है? हैव यू अटेंडेड इन डिफेंस पार्टी? डू यू नो हाउ अ पार्टी इज कंडक्टेड इन डिफेंस फोर्सेस? मेन और वुमेन बिल्कुल सेम लेवल पे, हर जगह, एवरी सिंगल प्लेस मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड द सेम वे, बिल्कुल इक्वली इन द डिफेंस फोर्सेस।
सो गाइज, मैं इस मूवी इंडस्ट्री से बोलना चाहूंगा, जब भी आप हिस्ट्री के ऊपर, अभी कुछ टाइम पहले पद्मावत के ऊपर आपने कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की थी जो 100% करेक्ट कॉन्ट्रोवर्सी थी, मैंने उस बारे में इसलिए नहीं करा कि बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दैट इज नॉट माई फील्ड, बट हिस्ट्री को 100% डिस्टॉर्ट करके या तो आप उसे बोलो कि ये फिक्शन है, अगर आप उसे रियल स्टोरी पे बेस कर रहे हो तो रियलिटी दिखाओ, डोंट डिस्टॉर्ट द हिस्ट्री, तभी लोगों की जो इमोशंस हैं वो हर्ट होते हैं। यहां पे भी सेम हुआ, आपने डिफेंस फोर्स से रिलेटेड एक ट्रू मूवी बनाने की कोशिश करी है, लेकिन उस ट्रू में इतना मसाला भर दिया और इतनी सेल्फ मेड थ्योरीज भर दी है कि अल्टीमेटली वो मूवी बन क्या गई है, इंस्टेड ऑफ शोइंग अ मोटिवेशनल डिफेंस मूवी कि किस तरह स्क्वाडन में मेन और वुमेन साथ मिलकर काम करते हैं और किस तरह हमारी कंट्री को सिक्योर करते हैं, आपने उस मूवी को जो उसका एम था वो एम ही खत्म करके दे दिया है कि फेमिनिज्म किस तरह सुपीरियर और किस तरह डिस्क्रिमिनेशन होती है डिफेंस फोर्सेस में, ये एम था अगर मूवी का तो उसको फिक्शन लिखते और कोई फिक्शन नाम देते, आपने ऐसा नहीं करा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, फ्रॉम ऑल द मूवी मेकर्स जो भी नेक्स्ट टाइम ऐसी मूवीज बनाते हैं डिफेंस फोर्सेस की, यार किसी को बुला लो, पूछ लो किसी से, रिसर्च कर लो, स्क्वाड्रन में जाके बात कर लो, हफ्ता 10 दिन स्पेंड कर लो, परमिशन आपको मिल जाती है ना, तो बात करो फ्लाइट कमांडर से, सीओ से, वहां के पायलट से, या किसी और अगर आप यूनिट का बनाना चाहते हो, आर्मी यूनिट का, नेवी यूनिट का, वहां जाके पता तो करो, वहां जाके उनके पर्सनल से बात तो करो, लेडी ऑफिसर से बात तो करो कि ये बकवास कहां पे हो रही है और हुआ क्या। एज अ रिजल्ट सारे के सारे डिफेंस फोर्सेस की, सारे के सारे लोगों की जो सेंटिमेंट्स था आपने हर्ट करा, और फिर प्रोटेस्ट तो होंगे ही होंगे और 100% सही प्रोटेस्ट है, इसलिए डिफेंस फोर्सेस को डाउनग्रेड आप सिर्फ इसी कंट्री में कर पा रहे हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि बाकी किसी कंट्री में अपने डिफेंस फोर्सेस को डाउनग्रेड करे, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी है, इस पर कोई कुछ कहता नहीं है, सिर्फ लोग अपना एंगर दिखा सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या वीडियोज के थ्रू, उससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता है कोई। आप किसी और कंट्री में होते ना तो ये मूवी कभी रिलीज ही नहीं होती और आपकी हिम्मत भी नहीं होती कि ऐसी कोई मूवी बनाए। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसी सेंसिटिव चीजों पे, इश्यूज पे मूवी बनाते हैं ना, तो प्लीज ऐसे स्टूपिड मसाला, ठीक है, इन मूवी से दूर रखिए, मूवी में रियलिटी दिखाइए और ये दिखाइए कि फैक्ट्स क्या है, ये मत दिखाइए कि आप क्या सोचते हैं और आपकी परसेप्शन क्या है। ओके, आई होप गाइज ये जो रिव्यू था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज एन अनबायस्ड ट्रू रिव्यू जो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, क्योंकि आई हैव लिव्ड दैट लाइफ एंड आई हैव माय पोस्टमेट्स राइट नाउ इन द डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो फीमेल्स हों चाहे वो मेल्स हों, हम सब कोस्टमेट्स होते हैं, हमारे में कोई मैन वुमेन नहीं होता है। जब वॉर में जाते हैं देयर इज नो मैन, देयर इज नो वुमेन, वी आर ऑल ऑफिसर्स एंड वी फाइट फॉर इंडिया, दैट इज इट।